टेडी बियर इज सो क्यूट ना, बहुत सारे टेडी बियर्स हैं हमारे पास, आप देख रहे हैं आगे पीछे हर जगह बहुत सारे और भी रखे हैं। मेरा मन था यहाँ पे और टेडी बियर्स लेकर आऊँ। वैसे ठीक है, ये बात तो हम करते रहेंगे, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलती हूँ छोटी सरदारनी सीरियल के सेट पर, जहां पर मेहर की गोद भराई की रस्म चल रही है। ये रस्म कई दिनों से चल रही है, आप ये ट्रैक लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर एक गेम खेली जा रही है, लेकिन बीच में ही ना ट्विस्ट आ गया। अब ये अपशकुन कौन सा है, आपको दिखाते हैं आज क्या हो रहा है। सरब के लिए मेहर ने क्यों किया अपनी गोद भराई में इतना बड़ा अपशगुन? क्या छोटी सरदारनी को इस अपशगुन की चुकानी पड़ेगी बहुत बड़ी कीमत? गोद भराई में हुए इस अपशगुन का ट्विस्ट हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले देखिए गोद भराई की रस्म के पहले राउंड में सरबजीत ने कैसे की चीटिंग। आप सबको ये गेस करना है कि हमारी मेहर को मुंडा होगा या कुड़ी। सो बेसिकली एक गेम है उसके तीन राउंड से। पहले राउंड में दो मास्क दिए गए हैं, सब लोगों ने अपने हिसाब से मास्क पहने हैं, लड़कों के लड़कियों के। एंड देन दो चीज मिठाइयाँ मिली है मुझे। सो अगर बर्फी खाऊंगी तो मतलब लड़की होगा, तो जिन्होंने भी गर्ल मास्क पहना है वो जीत जाएंगे। एंड वो लोग जीत जाते हैं क्योंकि मैंने बर्फी खाई। इधर मेहर ने बर्फी खाई तो उधर सरब ने गेम में बने रहने के लिए मास्क बदल कर कर दी चीटिंग। भाई पता है कि सरब ने चीटिंग की है, पर फिर लेट इट बी ना भाई। भाई फोन वाले बच्चे का प्यो है, तो एक बार तो उसको चांस देना जरूरी है ना। फर्स्ट राउंड के बाद शुरू हुआ सेकंड राउंड। बेसिकली मेरे को दो थाल मिलती है, एक में लड़कों का सामान है, एक में लड़कियों का सामान है। मेरे को ब्लाइंड फोल्ड करा जाता है और मैं एक चीज़ उठाती हूँ एंड उस हिसाब से हमारे सेमीफाइनलिस्ट भी कुछ लोग आउट हो जाते हैं। एंड फिर बचते हैं हमारे पास चार फाइनलिस्ट, जिसमें से एक है हरलिंदी राणा, डॉली मॉम्सी और सरबजीत जी। और इस गेम से हम जज करेंगे कि कौन मेहर से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। एंड ऑफकोर्स वो है सरबजीत जी। प्यार तो मेहर से सरब ही सबसे ज्यादा करते हैं, तभी तो सरब का रिबन मेहर की टमी में बिल्कुल फिट हुआ और फिर दोनों के बीच आंखों ही आंखों में रोमांस हुआ। बेबी बम्प देखकर आपको गेस करना है कि पेट का साइज क्या है। एंड क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो उनको एग्जैक्ट साइज पता है और वो रिबन से मेजर कर लेते हैं करेक्ट। लेकिन तभी मेहर के कंधे पर न जाने कहां से मधुमक्खी आकर बैठ गई, जिसे हटाने के चक्कर में खुद सरब को डंक लग गया और मेहर के उठते ही अपशगुन हो गया। मेहर ने कड़े से सरब का दर्द तो ठीक कर दिया है, लेकिन गोद भराई के बाद वो मायके जा रही है और ये बात सरब को पसंद नहीं आ रही है।
उधर ननद हरलीन की साजिश काम कर गई है। पुलिस वालों ने सरब के हॉस्पिटल की गाड़ी में गैर कानूनी माल पकड़ लिया है और अब जल्द ही मेहर के ऊपर कानून का शिकंजा कसने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।